नमस्कार दोस्तों, सीएमएल सीएजीएस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको महोत्सव से संबंधित कुछ त्यौहार बताऊंगा, जो यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आप बार बार इसको रिविजन कीजिए, अन्यथा भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, महोत्सव जितना भी महोत्सव रहेगा ना या त्यौहार बताऊं, इतना याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए सफिशेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। महोत्सव पूछेगा लोसार महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो डायरेक्ट आपके एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्ट में पूछेगा लोसार उत्सव महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो लद्दाख में। अब वर्तमान में लद्दाख में कितने जिला है, दो जिला है, लेह और कारगिल, ध्यान रखिएगा। और यहाँ सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सरहुल महोत्सव झारखंड में, याद रखिएगा। झारखंड भारत में बिहार से कब अलग हुआ, 2000 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। संगाई, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, संगाई महोत्सव पूछे ना तो मणिपुर, और मणिपुर में अभी तक सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, धानु यात्रा नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो धानु यात्रा और नुआखाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में, तो उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य कब बना, 1936 ईस्वी में, ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। देखिए बिहार से 1912 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर उड़ीसा से 2000 ईस्वी, मतलब बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ, और फिर बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नौका दौड़ बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में, याद रखिएगा। पेरियार झील कहाँ है, केरल में, इस पर भी ध्यान रखिएगा। जल्लूकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जल्लूकट्टू महोत्सव पूछे ना तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, सांरों की लड़ाई होती है, जल्लूकट्टू तमिलनाडु में, इसमें सांरों की लड़ाई होता है। अब पूछेगा सांरों के बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का, याद रखिएगा, इस पर भी ध्यान रखिए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। स्पेन की राजधानी का है मैड्रिड, उस पर भी ध्यान रखिएगा। और लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया, लुसोफोन महोत्सव मनाया जाता है गोवा में, कहाँ, गोवा में, इस पर भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसको तो भूलिएगा नहीं, बतुकम्मा और बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो वहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखिए। बतुकम्मा और बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार किस देश में मनाया जाता है, चीन में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार किस देश में मनाया जाता है, चीन में, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, 1985 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया जाता है, तो श्रीलंका में, कहाँ मनाया जाता है, श्रीलंका। और श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 में कहाँ मनाया गया, गोवा में। और लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा में, और इस पर ध्यान रखिए, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, गोवा में, नज़र रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरेली त्यौहार मनाया जाता है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। भारत की दलिया किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़। हरेली त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिग्मो फेस्टिवल जो मनाया जाता है गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बसंत ऋतु का महोत्सव है, कौन सा, सिग्मो फेस्टिवल, जो कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। बांग्ला उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में, मेघालय में। बांग्ला उत्सव मनाया जाता है कहाँ, बांग्ला उत्सव मेघालय मनाया जाता है, ध्यान रखें। चेरी ब्लाजम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, शिलांग में। दोस्तों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा ये एग्जाम में, ऐसे ही पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, कब से, तो 2000 ईस्वी से, ध्यान रखिएगा। अब भारत की किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड। नागालैंड का गठन कब हुआ,
1 दिसंबर 1963 को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रण उत्सव पूछे ना तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अब भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ध्यान रखिएगा। कंबाला त्यौहार, भैंसों की लड़ाई इसमें होती है, लेकिन कंबाला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। लीली महोत्सव मनाया जाता है कहाँ, मणिपुर में। अभी तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, इस पर भी ध्यान रखिएगा। केरल में ओनम त्यौहार मनाया जाता है, पूछेगा ओनम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में, ध्यान रखिएगा। अब पेरियार झील कहाँ है, केरल में, उस पर भी नज़र रखिएगा। शंघाई उत्सव सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है, शंघाई पूछेगा, शंघाई उत्सव सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है, लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। लाई हरोबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, पूछेगा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य भारत का कौन सा है, त्रिपुरा है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फसल की कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है, पोंगल त्यौहार है, जो कहाँ मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद ये क्वेश्चन को तो भूलिएगा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार कहाँ है, चीन में, याद रखे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नज़र रखिएगा। और फसल की कटाई के समय ये पोंगल हो गया। कुंभ मेला आयोजन होता है भारत में कितने वर्षों के बाद, कुंभ मेला का जो आयोजन होता है भारत में 12 वर्षों के बाद, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये चार जगह कुंभ स्थल है भारत में, कितने जगह कुंभ स्थल है, चार, कौन, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासी। उज्जैन पूछे किस नदी के किनारे है, छिपरा नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले जो पर कुंभ मेला आयोजन हुआ 2016 में, अब की बार कब होगा, यानी 12 साल बाद, यानी 2028 में, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन महोत्सव से और त्यौहार से संबंधित था, जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पकड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।